स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट टू के पेपर सेकंड का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में दाब का व्यंजक निकाल लिया था। किसी पात्र में भरी हुई गैस द्वारा पात्र पर लगाया गया दाब का व्यंजक निकालना था। उस व्यंजक का मान कितना था? P बराबर 1/3 mn / V c² बार। आज हम उसी दाब के व्यंजक की सहायता से जो गैसों के नियम है, आदर्श गैस के जो नियम है, उनकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि यदि परम ताप, किसी गैस का परम ताप अगर स्थिर है तो P × V दाब और आयतन का गुणनफल सदैव स्थिर रहता है, एक स्थिरांक होता है, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब हम इस लॉ को, इस जो हमने दाब की व्यंजक निकाला है, उसकी सहायता से प्रूव करेंगे। तो हमने ये पढ़ रखा है P बराबर 1/3 mn / V c² बार। हम इसको थोड़ा सा रीमॉडिफाई करते हैं। हमने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और m c² बार इसको हमने 1/2 के साथ ले लिया, तो कुछ हमारा क्या आ गया, 1/3 n × 2 × 1/2 m c² बार। हाफ m c² बार इसको हम गतिज ऊर्जा के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये E लिख लिया, एक अणु के कारण ऊर्जा 2/3 n × E। लेकिन गतिज ऊर्जा हम गैसों के केस में पता है हमें कि सदैव परम ताप के समानुपाती होती है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम उसको मान लेते हैं अल्फा, तो E बराबर अल्फा T। इस मान को ऊपर वाली समीकरण में यदि रखें तो हमारे पास PV बराबर क्या आ जाता है, PV बराबर 2/3 n अल्फा T के बराबर आ जाता है। अब इसके अंदर देखिए, 2/3 कांस्टेंट राशि है, n अणुओं की संख्या है जो कि कांस्टेंट रहेगी, अल्फा वास्तव में हमने कांस्टेंट ही लिया है, और यदि हम बॉयल का नियम प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैस का ताप स्थिर रखना पड़ेगा, तो हम इसको भी कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर हम इन सारी राशियों को कांस्टेंट कर ले, ये तो सब कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट कर दें तो ये सभी राशियां एक कांस्टेंट हो जाती हैं, तो PV बराबर कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, इस फॉर्मूले से हमने बॉयल का नियम सिद्ध कर दिया। अब दूसरा जो हम नियम इसमें लेंगे वो है हमारा चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है यदि किसी गैस का दाब अगर हम स्थिर करें तो उसके आयतन और ताप दोनों समानुपाती होते हैं, या हम यो कहें V/T इज कांस्टेंट। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसी चीज को अपने सिद्धांत से प्रूव करेंगे। तो P बराबर हम वहीं से शुरू करते हैं, P बराबर 1/3 mn / V c² बार। सिंप्लीफाई करके, क्योंकि अब आयतन का करना है तो V को हम इधर ले आते हैं, P को इस तरफ ले गए, वापस पूर्व के भांति ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया और E का मान रख दिया, तो हमारे पास V की एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से आ गई। पुनः जैसे हमने पहले कहा था, जो ऊर्जा है वो T का समानुपाती होती है और कॉन्स्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो अल्फा T के बराबर होती है। अब इसी मान को हम यहाँ रख देते हैं, तो रखने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन आ गई V बराबर 2/3 n/P अल्फा T। अब ये सभी राशियां स्थिर हैं, 2n अल्फा 3 P, क्योंकि हम चाल का नियम सिद्ध करना चाहते हैं जिसमें P स्थिर रहना चाहिए, तो हम ये भी स्थिरांक हो जाएगा, तो ये सभी राशियां स्थिरांक है। अगर हम T को इधर ले जाए तो V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जो कि चार्ल्स का नियम है।
अतः इस सिद्धांत से हमने चार्ल्स का नियम भी प्रूव कर लिया। अब हम तीसरा नियम इसमें करेंगे, एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है, समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अंदर अणुओं की संख्या सदैव समान रहती है, यानी एनटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें ये सिद्ध करना है कि एक गैस में अगर एन वन है तो दूसरे के अंदर एन टू है, तो वो दोनों बराबर होंगे। तो हम इसको भी इसी फॉर्मूले से सिद्ध करेंगे। तो चलिए।